रोड डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्बन प्लानिंग का। सेफ्टी, एफिशिएंसी और यूजिबिलिटी को ध्यान में रख के रोड डिज़ाइन की जाती है। इसमें काफ़ी सारे मेथड्स और टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, आज हम उनमें से कुछ पर फोकस करेंगे। प्लानिंग, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होती है जिसमें प्रोजेक्ट का पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आंका जाता है। सड़क का कम्युनिटी पर कंट्रीब्यूशन मेजर किया जाता है, इससे पोल्यूशन में कमी, टोटल ट्रैवल टाइम में गिरावट और एरिया की जीडीपी में कितना फ़ायदा पहुंचता है। कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम और आसपास के लोगों को कितनी दिक्कत होगी, कितना मटेरियल, मशीनरी और लेबर लगेगा कंस्ट्रक्शन में। प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, लोन्स से, गवर्नमेंट बॉन्ड्स से या और कहीं से। कितना लैंड एक्वायर किया जाएगा, विलेजेस खरीदे जाएंगे और लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा। कितने पेड़ काटे जाएंगे, कंस्ट्रक्शन से कितना पॉल्यूशन होगा इत्यादि। मेजर पब्लिक, पॉलिटिकल और लीगल कंसर्न्स को कंसिडर करते हैं। इसके बाद बिडिंग स्टार्ट की जाती है जहां कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स अपने प्लान सबमिट करते हैं और गवर्नमेंट लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट देती है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। रोड हायरार्की, इंडिया में 5 मेजर टाइप के रोड्स हैं। हर लेवल की रोड अपने से एक लेवल नीचे की रोड से कनेक्ट करती है। एक्सप्रेसवेज, हाईवे, आर्टीरियल, कलेक्टर, लोकल, काफ़ी सारे वर्जन्स हैं इस लिस्ट के, मैंने ये चूज़ किया है। लोकल रोड्स सिर्फ लोकल एरियाज को सर्व करती हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एटसेट्रा। मेजर थ्रूवे नहीं होता, लो वॉल्यूम ट्रैफिक, नैरो रोड्स और लो स्पीड लिमिट होती है, इसलिए इनमें सिग्नल्स नहीं होते। कलेक्टर रोड्स आर्टीरियल रोड से ट्रैफिक कलेक्ट करके लोकल रोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये भी थ्रूवे नहीं होता जिसमें ट्रैफिक वॉल्यूम लो होता है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की सर्विस लेन्स भी कलेक्टर रोड्स मानी जाती है। आर्टीरियल रोड्स लंबे डिस्टेंस के लिए बनी है, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, वाइड रोड्स, मल्टीपल लेन्स, सिग्नल्स और हायर स्पीड लिमिट्स होती हैं। हाईवेज इंटर सिटी ट्रैवल के लिए बने हैं, इसमें कम प्रॉपर्टी एक्सेस होता है, कम ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, वाइड रोड्स, हाई स्पीड लिमिट्स और हार्ड शोल्डर्स भी होते हैं। एक्सप्रेसवेज सबसे तेज और नॉन स्टॉप इंटर सिटी ट्रैवल के लिए बने हैं। टोल बूथ्स के अलावा एक्सप्रेसवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होती, जैसे सिग्नल, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और प्रॉपर्टी एक्सेस। स्लो मूविंग ट्रैफिक भी बैन होता है। ये हायरार्की दिल्ली में धौला कुआं मोतीबाग एरिया में अच्छे से विजिबल है। एक्सप्रेसवे ये रहा, रीसेंट कंस्ट्रक्शन के बाद दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे अब धौला कुआं तक एक्सटेंड हो गया है। ये है हाईवे, ये आर्टीरियल रोड्स, ये कलेक्टर रोड्स और ये लोकल रोड्स। बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कामिंग का पर्पस सेफ्टी बढ़ाना होता है हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज में। सबसे कॉमन तरीका है स्पीड ब्रेकर्स का। इसके अलावा कर्ब एक्सटेंशंस, रोड कर्व्स, रेज्ड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, बॉलार्ड्स और रेफ्यूज आइलैंड्स का इस्तेमाल होता है। राउंड अबाउट्स, गोल चक्कर के दो मेन यूजेस हैं, ट्रैफिक इंटरसेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाना और गाड़ियों की स्पीड कम करना। लो ट्रैफिक एरिया के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है गोल चक्कर। पार्किंग स्ट्रक्चर्स एंड जोन्स, मार्केट एरिया में रोड साइड पार्किंग से कंजेशन काफ़ी बढ़ जाती है और ट्रैफिक फ्लो में रुकावट आती है। इसका उपाय है मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट्स। मार्केट्स में रोड्स पर नो पार्किंग जोन और पार्किंग लॉट्स होने से ट्रैफिक फ्लो और शॉपर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। करोल बाग 2019 में कार फ्री जोन बना दिया गया, इससे वहाँ शॉपर्स की संख्या पहले से काफ़ी बढ़ गई। साइकिल लेन्स एंड फुटपाथ्स, इंडिया में हाई डेंसिटी एरियाज में काफ़ी लोग कम डिस्टेंस के लिए पैदल या साइकिल से जाना प्रेफर करेंगे, पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने से वो कार, बाइक या स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल लेन्स का फायदा रिक्शा और दूसरे स्लो व्हीकल्स भी उठा सकते हैं। रोड फीचर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स इंटरसेक्शंस और क्रॉसिंग्स पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ये एक सीधी रोड है जहाँ हर थोड़ी दूरी में एक ट्रैफिक सिग्नल है। रोड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल को ऐसे कस्टमाइज किया जाता है कि एक डायरेक्शन में चलते ट्रैफिक को मल्टीपल ग्रीन लाइट्स मिले एवरेज स्पीड के हिसाब से, इसे ग्रीन वेव कहते हैं। टर्निंग एरोज, पेडेस्ट्रियन लाइट्स, काउंटडाउन टाइमर्स कुछ एडिशनल फीचर्स हैं इसके। रोड साइंस इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस देते हैं रोड यूजर्स को। रेगुलेटरी साइंस जैसे स्टॉप, गिव वे, नो एंट्री, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, वन वे, स्पीड लिमिट्स एटसेट्रा। वार्निंग साइंस जैसे सड़क में कर्व्स, स्लोप्स, जंक्शंस, क्रॉसिंग्स, सिग्नल्स एटसेट्रा। इंफॉर्मेटरी साइंस जैसे बस स्टॉप, पेट्रोल पंप, एमरजेंसी फोन, पार्किंग, होटल्स एटसेट्रा। डायरेक्शनल साइंस होते हैं जो डेस्टिनेशन बताते हैं और गाइडेंस साइंस रोड्स और प्लेसेस को पॉइंट करते हैं। ये साइंस रेट्रो रिफ्लेक्टिव कोटिंग से बने होते हैं जो रात को हेडलाइट से ब्राइटली विजिबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी होते हैं जो अलग अलग वार्निंग्स और इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्पेशल इवेंट्स जैसे एक्सीडेंट्स, बैड वेदर कंडीशंस और डाइवर्जेंस भी बताते हैं।
रोड मार्किंग्स रोड सरफेस पर लाइंस होती हैं जो गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन देती हैं, जैसे ये हैं नॉर्मल लेन्स, मर्ज लेन्स, टर्न लेन्स, बस लेन्स, साइकिल लेन्स एटसेट्रा। लेन्स के अलावा ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, पार्किंग्स, टर्न एरो, स्टॉप यील्ड भी यूज़ होते हैं। रंबल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए, आगे आने वाले सिग्नल, क्रॉसिंग या एक्सीडेंट जोन की वार्निंग दी जाती है। रेज्ड रिफ्लेक्टिव मार्कर्स रात को सड़क की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। अलग अलग स्टेट्स में रोड मार्किंग्स में थोड़ा फर्क होता है, इनमें जितनी यूनिफॉर्मिटी होगी उतनी अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन कम होगी। इंडियन रोड डिज़ाइन में कुछ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जारी की है, पर कुछ रोड्स में फ्लॉज रह जाते हैं। दिल्ली में बारापुला एलिवेटेड रोड उनमें से एक है। ये 7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड है जिसमें कैरिजवेज की विड्थ 9 मीटर है, इसका मतलब हर लेन 3 मीटर वाइड है। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 50 किलोमीटर पर आवर से तेज रोड में एक लेन की विड्थ 3.5 मीटर होनी चाहिए। इसको फॉलो करें तो ये रोड 2 लेन वाइड हो जाएगी और 2 मीटर का शोल्डर बच जाएगा। ऐसा करने से एक लेन कम हो जाएगी, पर 2 फायदे हो जाएंगे, पहला शोल्डर और दूसरा स्पीड लिमिट को बढ़ाकर 70 किलोमीटर पर आवर किया जा सकता है। इसी रोड पर थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ 3 लेन एग्जिट कर रही हैं जो कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। इसको ऐसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ एग्जिट रैंप ऐड किया है टर्न एरोज और साइंस के साथ। पिछले 20 सालों में इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, फ्यूचर में और सुधार आना बाकी है। इसमें सबसे पहले सड़क दुर्घटनाएं कम करने की ज़रूरत है। इंडिया वर्ल्ड में टोटल ट्रैफिक डेथ्स में सबसे ऊपर है, 3 लाख से ज़्यादा लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अर्बन रोड्स पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और हाईवेज पर ज़्यादा फेटेलिटीज़। दूसरे देश अपनी रोड्स को सेफ बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, अर्बन एरियाज में नैरो लेन्स और हाईवेज एक्सप्रेसवेज में वाइडर लेन्स, क्योंकि अर्बन एरियाज में ड्राइवर्स नैरो लेन में गाड़ी स्लो चलाते हैं और हाईवेज में वाइडर लेन से कम एक्सीडेंट्स होते हैं। हाई स्पीड ट्रैफिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं और ट्रैफिक रूल्स का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होता है। इंटरसेक्शंस में इंडक्शन लूप सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली ये एक बड़ा मेटल डिटेक्टर है जो व्हीकल्स को डिटेक्ट कर लेता है और सिग्नल चेंज कर देता है। ये ट्रैफिक वॉल्यूम मॉनिटर करके सिग्नल्स का टाइमिंग भी बदल सकता है। यूनाइटेड किंगडम में ज़िगज़ैग लाइंस यूज होती हैं, इसका मतलब उस सेक्शन में पार्किंग और ओवरटेकिंग मना है। यूरोपियन यूनियन में लेन विड्थ यूजुअली 2.5 मीटर से 3.25 मीटर तक होती है। जर्मनी के ऑटोबान में लेन्स 3.5 से 3.75 मीटर वाइड होती हैं। ऑटोबान के कई सेक्शंस में स्पीड लिमिट नहीं होती, इसके बावजूद वहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी कम होते हैं। न्यू अर्बनिज्म, मॉडर्न समय में नए चैलेंजेस आते हैं, इसलिए न्यू अर्बनिज्म को रिकग्नाइज किया है अर्बन प्लानिंग में। सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट का ध्यान, पैदल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दी जाती है इसमें। मिक्स्ड यूज एरियाज को प्रेफर करते हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरियाज को पास पास रखा जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। हर 100 मीटर में क्रॉसिंग्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के ऊपर फुट ओवर ब्रिज या सबवे साइकिल लेन्स के साथ प्लान करते हैं। कार फ्री एरियाज, वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसिट और स्मार्ट सिटीज ही है न्यू अर्बनिज्म का मेन गोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।